बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखिए, हमारे खड़े मसाले की गोश्त बनके तैयार है और ये बहुत टेस्टी और बहुत जायकेदार बनके तैयार होती है। खड़े मसाले की गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने आधा किलो गोश्त लिया, ये बड़े का गोश्त है। आप मटन चिकन किसी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं, जिसमें कि 10 काली मिर्च है, 4 लौंग है, 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल और 4 छोटे छोटे टुकड़ों में हमने दालचीनी ले लिया है, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा जो कि हमने दरदरा कूट लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 4 साबुत लाल मिर्च, 1 कप मस्टर्ड ऑयल, आप रिफाइन में भी बना सकती हैं, 1 चम्मच सौंठ, आप अपने हिसाब से लें नमक, 4 हरी मिर्च जो कि हमने छोटा छोटा कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज का टमाटर जो कि हमने इसको छोटा छोटा कट कर लिया है, 3 मीडियम साइज का प्याज जो कि हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ पे एक कुकर लिया है, आप भगोने में भी बना सकते हैं। कुकर हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें ये अपना जो मस्टर्ड ऑयल लिया था वो डाल देंगे और मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे ताकि इसका स्मेल निकल जाए। देखिए, तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें ये जो साबुत गरम मसाला लिए थे ये डाल देंगे और इसको सोटे कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने बड़े का गोश्त लिया था वो इसमें डाल के भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। देखिए, गोश्त का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है, अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च, टमाटर और ये जो हमने साबुत धनिया और जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक लिया था ये भी डाल देंगे, नमक, सूखी लाल मिर्च, दही, अब इसको भी भून लेंगे। 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए, 2-3 मिनट हो गए भूनते हुए इसको। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और आधे गिलास और इसको भी मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए, 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा खड़े मसाले के गोश्त बन के तैयार हुआ है। आप भी इसी तरीके से बनाएं, बहुत लजीज और बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होता है। अब हम इसमें ये जो हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया था इसको भी इसी में ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट ढक देंगे इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। एक मिनट हो गया है कसूरी मेथी डाले हुए, अब हम चूल्हा को ऑफ कर देंगे और इसे खोल के ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे रोटी, चपाती, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन बनके तैयार हुआ है हमारे खड़े मसाले की गोश्त। आप ज़रूर बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं।
देखिए हमने सर्व कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।